पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एनएमओपीएस संगठन के जिलाध्यक्ष भरत सिंह धाकड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहालों को लेकर एनएमओपीएस संगठन के जिलाध्यक्ष भरत सिंह धाकड़ के नेतृत्व में नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली हेतु कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश में वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। इससे पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु व प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डहरिया के नेतृत्व में 5 महाकुंभ आयोजित किए जा चुके हैं। शीर्घी नेतृत्व के आह्वान पर नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली हेतु 16 अप्रैल को जिला स्तरीय ज्ञापन और आक्रोश रैली का कार्यक्रम तय किया गया। उसी क्रम में रविवार को वरिष्ठता एवं पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन सौंपा गया। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज जो एनएमओपीएस संगठन ने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ मांगे हैं और आज किस उद्देश्य को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? पुरानी पेंशन को लेकर एनएमओपीएस लगातार संघर्ष कर रहा है। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश के विकासखंड स्तर पर सभी विकासखंड में एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाल करने की हमारी वरिष्ठता यानी नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठता दी जाए और उसके साथ पुरानी पेंशन बहाल की जाए। तो सर, ये आंदोलन में अब ठोस प्रक्रिया कब से अपनाई जाएगी? अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो क्या कुछ अगला क्रम? हमारा जिला मुख्यालय पर भी रैली, आक्रोश रैली निकालने का पुरानी पेंशन को लेकर के 16 अप्रैल को, और हमारी बार बार विनती है मध्य प्रदेश सरकार से कर्मचारी में निर्णय ले और पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करें। अगर सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में संतोष पैदा होगा और इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में।